अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मैंने आपकी सभी फिल्में देखी हैं, एक फिल्म को सात सात बार देखा है। मेम साहब, अब जबकि आपने ये घर खरीद ही लिया है तो मुझे ही वॉचमैन रखना है। इस घर में कितने महीनों से कोई नहीं आया? काफी महीनों से। Hold your breath. Wow. Wow. तुम्हें तो बहुत अच्छा घर मिला है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये घर बिकाऊ है। किस्मत डार्लिंग, मेरी किस्मत में हर अच्छी चीज लिखी है। इस घर को देखते ही मुझे सबसे पहले पता था दैट आई वांट दिस हाउस। यू नो दिस ओल्ड पोर्चुगीज फील, ये पुरानापन, इट्स ब्यूटीफुल। मैं जानती थी कि मुझे यही चाहिए और मुझे यही मिला। ऑफ कोर्स, आपके टेस्ट की तो सभी तारीफ करते हैं। पीना, yep. तुम ये पेंट बदलवा सकती हो, लेकिन इसका ओल्ड फील बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बी केयरफुल। ऑफ कोर्स खुशी, आप जैसा चाहेंगी आपका घर बिल्कुल वैसा ही बनेगा। दिस इज नॉट एन ओरिजिनल, इसको हटाओ यहाँ से। ओके। हरीश, फोन छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इन्हें जो चाहिए ने वक्त पर मिलना चाहिए और कोई कंजूसी नहीं। ओके ओके मैडम। वाओ, इतनी खूबसूरत खिड़की है ना। बिना इसकी सिर्फ लकड़ी चेंज करना। ओके ओके केयरफुल। और ये इसका फ्रेम थोड़ा चौड़ा कर दो और नीचे की लकड़ी चेंज कर दो। मैम, क्या हुआ? मैम क्या हुआ? वो आदमी, आदमी, आदमी। आदमी? यहाँ तो कोई भी नहीं है मैम। वो था ये बेटा, वो आदमी। तुम्हें यकीन करना है तो करो वरना तुम्हारी मर्जी। प्लीज आई डोंट बिलीव दिस। यू डोंट बिलीव दिस? तुम्हें क्या लगता है जब एसीपी साहब अपनी आंखें फाड़ के उंगली को यूं करके जब कुछ बोलते हैं तो प्यार से बोलते हैं? है? नहीं, गुस्से से। क्यों? मेरे आने से साइलेंस? क्या क्या बकरा था? क्या बकरा था? सर, लास्ट केस में आपने इन दोनों को सीआईडी से निकाल दिया था ना? हाँ, वो प्लान था आतंकवादियों तक पहुंचने का, एक्टिंग थी वो। सर, पर ये दोनों तो कह रहे हो वो प्लान नहीं था। आप नहीं चाहते कि ये दोनों सीआईडी में रहे, इसलिए आपने वो ऑपरेशन तलाश शुरू किया है। क्या बोल रही है, ये सच है? So, मैंने सुना आपको गुस्सा भी बहुत आता है। किसने कहा ये? कौन फैला रहा है ये अफवाहें? कौन? सर, दया सर और अभिजीत सर। अच्छा, दया सर और अभिजीत सर। तो मौका मिलती मेरे इज्जत का हलवा बनाने से बाज नहीं आते तुम लोग। नहीं सर, वो क्या ये मुस्कान तो सर, बच्चे कुछ भी बोले जा रही। क्या 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 बोले जा रही हो तुम? है? नहीं मिलेगा, तुम दोनों को इसका इनाम जरूर मिलेगा, समझे? अभिजीत सर और दया सर, ये हाई कमांड से लेटर्स आए। लगता है मुझे और सीआईडी को तुम दोनों की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर सबो सर, सॉरी सर। इस बार तो पक्का है, मैं गया। रिलैक्स खुशी। पानी। इतना डरावना चेहरा था उस आदमी का, कोई भी देखता तो बेहोश हो जाए। मेम साहब, मेम साहब, मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने ध्यान से देखा? मेम साहब, आपने कोई भिखारी ही देखा होगा। हरीश, मगर वो इस कंपाउंड के अंदर आया कैसे? साहब चुप रहो। मैम, हमें इस जगह की सिक्योरिटी को टाइट करना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी आज से ही टाइट करना शुरू करो, मुझे वो चेहरा फिर से नहीं देखना। खुशी, क्या ये तो पुराने एंटी कारपेट्स हैं, इनकी कीमत लाखों में होगी। और इसे देखो, देखो गीता। क्या क्या हुआ? ओह माय गॉड, Oh God, ये स्कल यहाँ पर है तो बाकी बॉडी भी है कहीं होगी। मैम,
ये पेटी के ऊपर पड़ा है, पेटी के अंदर भी कुछ होगा। हरीश, छोड़ो पेटी के अंदर क्या, हमें नहीं देखना, छोड़ो। लेकिन मैम, हरीश प्लीज, ये घर बहुत अजीब है। पहले वो अजीब सा चेहरा और स्कल, चलो यहाँ से। मैडम मैं बताने ही वाला था, लेकिन इसका लैश खुला हुआ है, जरूर इसके अंदर कुछ है मैम। हरीश प्लीज, एक मिनट देखे तो क्या है अंदर इसके। हरीश, सुनकर ऐसे लग रहा है किसी पुराने जमाने की कहानी सुना रहा है। ये घर है किसका? तब वो एक्ट्रेस है खुशी, उसका है। ये वही खुशी है ना जो हर पिक्चर में जानू जानू मुझे पिक्चर ले चलो कहती है। क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं सर, ये उसी का घर है। पिछले हफ्ते ये घर उसने मिस्टर चंदन से खरीदा था, हमने उनको भी बुलवाया था। तो पता चला किसकी खोपड़ी है? सर, चंदन का कहना है कि उन्होंने ये घर एक साल पहले ही खरीदा, तब से लेके आज तक उन्होंने ये घर किसी को किराए पे नहीं दिया है। अब मिस खुशी को ये घर बेचा है। सर, एक्चुअली आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। सर, वो क्या क्या हुआ? सर, एक्चुअली वो अरे क्या हुआ क्या? सर, एक्चुअली वो आपने दया सर और अभिजीत सर को जो लेटर्स दिए थे उसमें क्या था? उन्हीं से पूछो। सर, मैंने इनसे पूछा पर ये तो सिर्फ हंसते ही जाते हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अरे मैंने बताया ना, ये हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड है। सर आप ही बताइए ना प्लीज। मैं बताता हूँ, वो लेटर्स प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आए हैं जिसमें उन्होंने दया और अभिजीत सर की तारीफ की है। और हाँ मुस्कान, आज के बाद तुम इन दोनों को सर नहीं कहो, सर अभिजीत और सर दया को। सर आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं सर। सर अब बस कीजिए सर। क्यों, सुबह से तुम दोनों मुस्कान को परेशान कर रहे थे वो? खैर छोड़ो, चलो पता करते वो खोपड़ी है किसकी। एसिड है सर, पावरफुल एसिड जो गोल्ड पे असर नहीं करता। हर एक पीस पे लगा के रखा हुआ है सर ताकि कोई हाथ ना लगा सके। फॉरेंसिक लैब में पता चल जाएगा सर इस पे कौन सा एसिड लगा हुआ है। सर ये चेस्ट में फॉरेंसिक लैब लेके जाता हूं। ठीक है। तुम ऐसे नहीं बताओगे? क्या बात है सर, आप तो उसकल से बात करने लगे। हाँ, नहीं तो पता कैसे चलेगा दया कि इसका नाम क्या है। तो कुछ पता चला? नाम का तो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि इसने मरने से पहले क्या खाया था। क्या बात है, पता चल गया? क्या खाया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ। इसके दांतों पे लगा हुआ है? दांतों की छोड़ दे, लेकिन इसके दिमाग के अंदर भी लगा हुआ है। ये स्कल नकली है। What? हाँ, सिर्फ डराने के लिए, ताकि कोई उस ड्रॉअर को हाथ तक नहीं लगाए, पहले ही डर जाए। और अगर कोई हाथ लगाए तो उसके हाथ एसिड से जल जाए। इस घर में जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, शायद कोई खजाना गड़ा हुआ है। फ्रेडरिक्स, मुस्कान, इस घर का कोना कोना अच्छी तरह से छान मारो। सर। देयर। सर। एक्सक्यूज मी। मुझे बुलाया? अरे खुशी जी, आप? तुम मेरे हाथ देखो, हाथ देखो मेरे। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा करियर बर्बाद हो गया, देखो इसे। मेरी वजह से? क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। Thank you.
कॉइन 1605 का है और ये प्योर गोल्ड है। 1605? ये आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि इस बार जो छाप लगी है वो 1605 में इशू हुई थी। इसका मतलब ये इस पेटी में ये जो कॉइन्स हैं, इनकी कीमत? इनकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। इट्स प्राइसलेस। और ये एसिड? ये तो लोकल एसिड है, हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेटल पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बॉडी पर इसका 100% असर होता है। तो ये एसिड इन कॉइन्स को बचाने के लिए यूज किया गया है, ताकि कोई इन्हें चुरा ना सके। बड़ी होशियारी से किया गया ये काम। कौन हो तुम? मैं बताती हूँ ये कौन है। ये आदमी एक खूनी, और इसी ने ये घर मुझे बेचा है। तो तुम हो इस घर के मालिक? थे। इसे पहचानते हो? ये यहीं से आप ही के घर में से मिला है। ये यहाँ कैसे आ गया? तो आपको कुछ नहीं पता? हाँ, कुछ नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि इस कालीन के पास यहाँ पर एक पेटी थी। पेटी? पेटी, हाँ पेटी। और इस पेटी में सोने के जेवर और सोने के सिक्के थे, और इन सिक्कों पर किसी ने एसिड लगाया हुआ था। अब कह दीजिए कि आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, कहिए ना। सोने के सिक्के? इस पेटी के बारे में मुझे अगर पहले पता होता तो ये घर में आपको पेटी के साथ थोड़ी ना बेचता। ये पेटी मैं खुद नहीं ले जाता अपने साथ। चंदन जी, आपने एक साल पहले ये घर किससे खरीदा था? सब मैंने ये घर गजाधर साहब से खरीदा था। इस वक्त कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, वो घर बेचने के बाद वो गायब हो गए, उसके बाद कभी मिले ही नहीं। गायब? क्या मतलब? मतलब मुझे कभी नहीं मिले वो। मुझे तो यहाँ के लोगों ने बताया कि वो थोड़े सनकी टाइप थे। सर, अगर गजाधर जी को इस पेटी के बारे में पता होता तो वो ऐसे ही ये घर चंदन को नहीं बेचते। इसका मतलब है सर, उन्हें इस पेटी के बारे में कुछ नहीं पता था। हो सकता है गजाधर ने ये घर किसी को किराए पर दिया हो, और शायद वो पेटी उन लोगों की। ये पता कैसे चलेगा? ये तो हमें गजाधर ही बता सकता है। हमें गजाधर को ढूंढना होगा। क्या मुसीबत है, पूरा दिन लग गया ढूंढने में, पर मकड़ी और चूहे के अलावा कुछ नहीं मिला है। एक तो वैसे ही मुझे दस की एलर्जी है, और घुसो गोडाउन के अंदर। ओ माय गॉड, अबे इतना गंदा कैसे हो गया तू? अब सब हंसेंगे तुझ पे, देखना। पहले मुंह तो धो लेता हूं। अरे अभिजीत। दिग्विजय जी, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। अरे तकलीफ की क्या बात है, तुम्हारे लिए अभिजीत मेरे पास टाइम ही टाइम है। बोलो क्या बात है? आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। एक केस है, जरा फंस गया है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक पेटी में हमें कुछ पुरानी ज्वेलरी और कुछ पुराने सोने के सिक्के मिले। अच्छा। डॉक्टर नियति ने बताया कि ये करीब 400 साल पुराने, कुछ 1605 के। 400 साल पुराने 1605 के? जरा देखें। क्या हुआ, आप जानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल जानता हूँ, ये तो श्रृंगारपुर के राजघराने के हैं। श्रृंगारपुर के राजघराने के? हाँ,
लेकिन ये इस वक्त हमारे पास हैं, तो फिर आपके पास कैसे पहुंचे? आपके पास कहाँ? यहीं म्यूजियम में। म्यूजियम में? हाँ हाँ, आज सुबह मैंने यहीं देखा इन्हें म्यूजियम में। आज सुबह? ये कैसे हो सकता है? इतना ही मिला है, एक दो बार ट्राई करूंगा, और भी मिलेगा। ठीक है, जितना मिला उतना ऊपर भेज दो। यस सर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने ये घर खरीदा था। पहले वो भयानक सा चेहरा और फिर मेरे ये हाथ और अब ये कंकाल। सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ। देखिए, अगर मेरे जले हुए हाथों के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक इन जले हुए हाथों की प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो जाती, आप प्रेस को कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। हम प्रेस वालों को नहीं बताएंगे कि आपके घर में क्या हुआ। बस सर। हाँ? बस इतना ही मिला है। ठीक है, ऊपर आ जाओ। ओके सर। सर, लगता है ये कंकाल किसी आदमी की है। कैसी रखवाली करते हो तुम? हाँ? तुम्हारे होते हुए किसी ने आदमी की लाश अंदर डाल ली और तुम्हें पता तक नहीं? साहब, गजाधर जी ने मुझे इस बंगले की रखवाली के लिए रखा और मुझे कुछ नहीं पता। अगर गजाधर जी ने तुम्हें नौकरी पे रखा है तो तुम्हें पगार भी वही देते होंगे, है ना? तुम्हारा पगार कहाँ से आता है? गजाधर जी तो गायब है। गजाधर जी तो आए नहीं साहब, मैं उनका इंतजार करता रहा। बाद में मुझे पता चला साहब कि यह बंगला चंदन जी ने खरीदा है, तो साहब मैं उनके घर पे गया। उन्होंने मेरी पहले की पगार भी दी और कहा कि इस बंगले की रखवाली करते रहो। इस घर में इतने राज छुपे हुए हैं और तुम्हें कुछ भी पता नहीं? माँ कसम साहब, मुझे कुछ पता नहीं साहब। सब प्लीज यहाँ आइए। ये देखिए क्या मैं। ये तो एक पेसमेकर है। पेसमेकर। इससे पता चलता है कि ये जो आदमी मरा है उसे दिल की बीमारी थी। कमजोर दिल का था बेचारा। इस पे जो नंबर है ना, इससे पता चलेगा कि ये किस आदमी का है। देखो अभिजीत, ये कॉइन्स। एक मिनट दिग्विजय जी, एक मिनट सुनिए। मुझे लगता है कि इस म्यूजियम में बहुत गड़बड़ है। जब तक हम इस बात की पूरी गहराई तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। ओके, नाउ जस्ट रिलैक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? इमरजेंसी है। अभी अभी पता चला कि कुछ पावर कट का प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम ये जगह बंद करना चाहते हैं। प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। प्लीज चलिए। जी मैडम, प्लीज बाहर जाइए। सिक्योरिटी। यस सर। आप लोग भी बाहर जाइए, जरूरत पड़ने पर मैं आपको बुलाऊंगा। चलिए। ओके सर। देखो अभिजीत, ये कॉइन। दिग्विजय जी, एक मिनट जरा इधर आइए। देखिए, वो सिक्के और ज्वेलरी हमें ठीक ऐसी पेटी में मिले थे। हो ही नहीं सकता अभिजीत, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसी एक ही पेटी एक्सकवेट हुई थी। देखिए, पेटी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसी? ये थर्मोकोल, ये सब नकली है। ओह माय गॉड, कैसे हो सकता? ये हो ही नहीं सकता। अगर ये नकली है तो फिर वो कॉइन्स? अभिजीत,
हेलो, सिक्योरिटी अलार्म फौरन बंद करो। अभिजीत, तुम्हारा सिक्का दिखाओ। अभिजीत, तुम्हारा सिक्का दिखाओ। अभिजीत, ये असली है। Oh my God. ये सारे सिक्के नकली है अभिजीत। यहाँ का नकली है और तुम्हारा वाला असली। अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास जो सिक्के हैं वो असली और ये सब के सब नकली। ये सब नकली। इसका मतलब यहाँ पे चोरी हुई है। मुझे पता भी नहीं चला। किसी ने बड़ी सफाई से असली सिक्कों की जगह नकली सिक्का रख दिया है। ये किसी अंदर वाले का काम है जो इस म्यूजियम को अच्छी तरह से जानता है। क्या मतलब यहीं का कोई आदमी चोर है? यस। कितने लोग काम करते हैं आपके म्यूजियम में? 20। मैं अभी बुलाता हूँ। एक मिनट। किसी को भी इस चोरी के बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा ये प्लान किसका है और किसने की है चोरी। ओके? आपको सिर्फ ये दिखाना है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस किचन को तो देखकर लगता है कि जैसे बरसों से यहाँ पर किसी ने खाना ही नहीं बनाया हो। और अगर खुशी जैसी फिल्म स्टार हो तो सब भूखे मर जाएंगे। दिल को काबू में रखो, घबराइए मत। नाम क्या है तुम्हारा? सुंदर। क्या आप मान सकते हैं कि मेरे जैसे आदमी का नाम सुंदर है? इस घर में क्या कर रहे हो? इसकी वजह से ये साफ साफ बताओ क्या कर रहे थे यहाँ? मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना वो ऊपर वाले की छड़ी में आवाज नहीं होती। अब मालूम हुआ मुझे पैसा नहीं, शक्ल की भी जरूरत होती है। क्यों डराते फिरते हो सब लोग को तुम? मैडम आप बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए मैडम। तुम्हारे शक्ल में ये सब कैसे हो? लालच, अपनी लालच की वजह से। मैं चोर था, छोटी मोटी चोरियां किया करता था। 3 साल पहले इसी वीरान बंगले के बाहर Thank you.
मैं अमीर हूँ, अभी तो मैं अमीर हूँ, अभी तो मैं अमीर हूँ। और इस तरह से सुंदर बेसुंदर हो गया। मेरे हाथ देखिए, मेरी शक्ल देखिए, शक्ल ये मुझे देखकर मेरी बेबी और मेरे बच्चे तक चिल्लाने लगते थे और मैंने घर छोड़ दिया। लोग मुझे देखकर डर से भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं लोग। मैं बर्बाद हो गया। मगर तुम वो सोना लेकर क्यों नहीं गए? तुम्हारे काम आता था सोना, अब उसका क्या फायदा? क्यों? मुझे पैसा नहीं, मुझे बदला चाहिए, बदला। मैं बदला लेना चाहता हूं जिसका ये सोना है। और मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था, 3 साल से इंतजार कर रहा था कि वो लोग जिनका ये सोना है आएगा और मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, मैं लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। इसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। फ्रेडिक्स, ले जाओ इसे। यस सर। चलिए आइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लेकिन मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। हाँ सर, सब म्यूजियम से पता चला है वहाँ जितने भी सोने के सिक्के हैं सब के सब नकली हैं सर। किसी ने पूरी की पूरी पेटी बदल दी है। अरे 3 साल के अंदर किसी को पता नहीं चला? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है ये काम किसी अंदर वाले का ही है। सर लग तो ऐसा ही रहा है। एक बात और है सर, ये पेटी यहाँ 3 साल पहले रखी गई थी और उस वक्त ये बंगलो गजाधर के नाम पे था। पर सर अगर गजाधर को पता होता कि घर में सोना है तो वो तो ये घर चंदन को बेचता ही नहीं। अगर ये गजाधर मिल जाता तो सारी बातें उसी से पूछ लेते। सर हमें जो पेसमेकर मिला है वो इसी स्केलेटन का है और ये स्केलेटन मिस्टर गजाधर का ही है। क्या? ये आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं? सर हर पेसमेकर पर एक सीरियल नंबर होता है और इसका सीरियल नंबर मिस्टर गजाधर के रजिस्ट्रेशन नंबर से मिलता है। इसका मतलब है गजाधर अपने ही घर के कुएं में गिर गया और किसी को पता तक नहीं चला। गिर गया या फेंका गया इस बात की कॉन्फर्मेशन अभी नहीं मिली, लेकिन सर मुझे एक चीज मिली। सर ये पेसमेकर बहुत ही एडवांस्ड है, ये कंप्यूटराइज्ड है, इससे हार्ट के रिदम्स और पैटर्न्स सब रिकॉर्ड होते हैं। तो क्या पता चला? यही कि मिस्टर गजाधर का दिल 3 साल पहले धड़कना बंद हो गया था। क्या? 3 साल पहले? इसका मतलब है सर गजाधर 3 साल पहले मर चुका था, ये कैसे हो सकता है? और चंदन के मुताबिक गजाधर ने उसे 1 साल पहले घर बेचा था। इसका मतलब है या तो गजाधर 1 साल पहले घर बेचने के लिए जिंदा होकर वापस आया या फिर चंदन झूठ बोल रहा है। खुशी जी, क्या चल रहा है इस घर में? हाँ क्या चल रहा है मुझे भी बताइए। अब क्या हुआ, अब कौन मिला आपको? एक आदमी आया है यहाँ पर और उसका ये कहना है कि चंदन 1 नंबर का फ्रॉड, झूठा और मक्कार है। क्या? मैं और झूठा? अब कौन है वो? क्या नाम है उसका बताओ? गजाधर। और उसका ये कहना है कि ये घर उसने आपको कभी बेचा ही नहीं। और सुनो, अगर ये बात सच निकली तो मैडम तुम्हें अदालत में ले जाएंगी, बर्बाद कर देगी तुम्हें। फ्रॉड है वो आदमी जो ऐसी गलत बातें फैला रहा है। अच्छा तो खुद ही पूछ लीजिए ना उससे, बैठा हुआ है अंदर। चलिए ना, चलिए चलिए। देखिए मिस्टर, आप जो भी है आप गजर हो ही नहीं सकते क्योंकि गजाधर मर चुका है। उसे कुएं में ढकेल कर मारा है तुमने, उसे मारकर तुमने उसका घर खुशी जी को बेच दिया। साहब मैंने किसी को नहीं मारा, मैं अपने बच्ची की कसम खा के कहता हूं कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। सच सच बताओ। अरे क्या सच सच बताओ।
रियल एस्टेट एजेंट हूं। सड़क के उस तरफ मेरा घर है। ये घर मौके की जगह पे, इसलिए इस घर पे मेरी नजर टिकी थी, इसलिए मैंने गजदर साहब से पूछा, लेकिन लेकिन उन्होंने हमेशा मना किया। और 3 साल पहले देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया, हाँ, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने आपके साथ धोखाधड़ी की है, मुझे माफ कर दीजिए। सब म्यूजियम में करीब 20 लोग काम करते हैं, सबके नाम मिल गए हैं, ये सारे के सारे करीब 7 साल से काम कर रहे हैं वहां पे। 7 साल से काम कर रहे हैं? ओह, तो इसका मतलब है जिसने भी चोरी की है और गजाधर का खून किया है वो अभी भी म्यूजियम में काम कर रहा है। बड़े चालाक लोग हैं सर, उन्हें मालूम है अगर वो काम छोड़ के जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है। पर सर, उन लोगों ने सोना बेचा क्यों नहीं? और दूसरी बात ये कि उस बंगले में जाके क्यों छुपाए? क्योंकि इस तरह के एंटीक सिक्के और ज्वेलरी लोकल मार्केट में नहीं बेचे जाते। ऐसे ज्वेलरी बाजार में बेचना जरा मुश्किल है, अगर कोई मुर्गा मिल जाए तो बेची जा सकती है। सर, अगर उन लोगों को मुर्गा कस्टमर नहीं मिला तो हम लोग चुप बैठे रहेंगे? नहीं, चुप क्यों बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तुम ही बताओ, आजकल तो तुम्हारे दिमाग में काफी आइडियाज आते हैं। ये बात तो सच है सर, पता नहीं कहां से अचानक मेरे दिमाग में हजारों प्लान्स आने लगे। आज कोई नया तूफान आया है? यस सर। अच्छा, चलो बताओ। सर, हीरोइन चाहे कुछ भी बोले, उस बंगले को ही तोड़ देते हैं, ना बजेगा बांस न रहेगी बांसुरी। नहीं फ्रेडरिक्स, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, वो गजाधर की दी हुई चाबी काम आ गई। हाँ, वरना दरवाजा तोड़ना पड़ता था। सब ठीक है, आजा। अरे क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे हमें इस पेटी को लेके जाना है, समझा? वीरेंद्र ने अगर घर तोड़वा दिया ना तो 3 साल की मेहनत पानी फिर जाएगा। चल। गजाधर भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल था? हाँ, हाँ सर, लेकिन प्लान उन्हीं का था। हम बेकसूर हैं सर, हम तो म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड हैं। हमने सिर्फ असली पेटी के बदले नकली पेटी रखी थी, बस। सर, हमने वो पेटी ले जाकर बंगले में छुपा दी, मगर गजाधर अपनी जबान से मुकर गया। पहले आधे आधे की बात हुई थी, बाद में बोला 70% मैं रखूंगा, बाकी तुम आपस में बांट लो। तो तुमने उसे मार दिया? हाँ सर, हमें गुस्सा आ गया था सर, और उस रात हमने बंगले में जाकर हमने सोचा सोना हम बंगले में छुपा देते हैं और जब अच्छा खरीदार मिलेगा तो निकाल कर बेच देंगे। यही गलती कर दी तुम लोगों ने। तुम्हें यह पता नहीं था कि चंदन जी ने घर खरीद लिया और खुशी जी को बेच दिया, है ना? खुशी जी, थैंक यू वेरी मच सर। अब आपका घर शाप मुक्त हो गया। थैंक यू, पर मेरे हाथ, अब मैं एक्टिंग कैसे करूंगी?